अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कोनी कला में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का उपलोक सेवा केंद्र का भव्य शुभारंभ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह रहे। अध्यक्षता मैदनी प्रसाद मिश्रा, अशोक मिश्रा व सरपंच कोनी कला केदार साहू ने किया। वहीं मैदनी प्रसाद मिश्र व अशोक मिश्र लोक सेवा केंद्र के संचालक गौरव तिवारी द्वारा भव्य आयोजन रखा गया था। लोकप्रिय कलाकार राजकुमार शास्त्री ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं सिरमौर विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से सरकार गरीबों को शासन की योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिसके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, शासन उनको पट्टा देकर उसी में आवास के साथ बिजली कनेक्शन व नल का कनेक्शन भी देगी। दिव्यराज सिंह ने कहा कि कोनी में उपलोक सेवा केंद्र खुलने से अब यहां के आसपास के गांव के लोगों को अतरेला जवा नहीं जाना पड़ेगा, सभी कार्य यहीं से हो जाएंगे, जिनमें नक्शा, खसरा, खतौनी, पेंशन आदि कार्य यहीं से होंगे। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं कई लोगों को योजनाओं के पत्रक द्वारा सिरमौर विधायक दिव्यराज ने देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में गडेहरा व कोनी पंचायत की जनता की मौजूदगी में राजकुमार शास्त्री के गीतों को सुनकर लोग झूम उठे। हाथ लगावा आप सब लोग तालियों से स्वागत करेंगे। आपने भारतीय जनता पार्टी आज से ज्वाइन करी है सम्मानीय अशोक मिश्रा जी और उनके टीम। जनता जनार्दन की कुछ दो मिनट एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे जवा मंडल के, हमारे महामंत्री और कार्यकारिणी अध्यक्ष आदरणीय बालेंद्र सिंह जी उपस्थित, हमारे ग्राम पंचायत कोनी के सरपंच आदरणीय साहू जी उपस्थित, हमारे देवखर के सरपंच आदरणीय महाराज गढ़ेरा के सरपंच आदरणीय गढ़ेरा महाराज साहब उपस्थित,